आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर मैरिज हॉल हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। अन्नपूर्णा मैरिज होम बिना परमिशन के चल रहा था। मेयर शिव सिंह ने इसकी पुष्टि की है। नगर निगम से कोई स्वीकृति नहीं ली गई थी। मैरिज होम के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शहर के बाकी मैरिज होम की भी जांच की जाएगी। बीती रात भरतपुर में अन्नपूर्णा मैरिज होम की दीवार मौत की दीवार बन गई और 24 लोगों की जिंदगी छीन ली। मौके पर लाशों के ढेर लग गए। शादी की खुशियां मातम में बदल गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। तेज आंधी और बारिश से मैरिज होम की दीवार ढह गई और इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है। 28 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से कई गंभीर हैं। कुछ लोगों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है और सीएम वसुंधरा राजे ने हादसे पर गहरी संवेदना जताई है। सीएम ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और सीएम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम राजे आज खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा ले सकती हैं और हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की जा सकती है। इस बीच मृतकों के परिजनों को प्राथमिक तौर पर 50,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृति की गई है और वहीं चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ आज घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लेंगे, मृतकों के परिजनों और घायलों से मुलाकात करेंगे। और बारात बताते हैं जयपुर से आई थी और गोद भराई की रस्म के बाद में बारात चढ़ाई की तैयारी कर रही थी और ये जो मैरिज गार्डन है अन्नपूर्णा मैरिज गार्डन, इसके पूरी एक लंबी दीवार 80-90 फीट लंबी है और 12-13 फीट ऊंची है, जिसके साथ इन्होंने खाने पीने का बंदोबस्त किया हुआ था। तेज अंदर आने की वजह से हो सकता है लोग बाग उसमें शरण लेने गए होंगे, उस दरमियान ही वो दीवार उन लोगों पे गिर गई। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे संवाददाता मनोज शर्मा भरतपुर से जुड़ गए हमारे साथ। मनोज, अगर बात की जाए, इस तरीके के हादसे होते हैं तभी प्रशासन सजग होता है, इसमें जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है और इस वक्त मामले में अपडेट क्या है? जी स्वाति, बिल्कुल बताना चाहूँगा। हादसा होने के बाद कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई की बात की जाती है, जांच की बात की जाती है। फिलहाल में मैं बताना चाहूँगा करीब 1.5 दर्जन घायल ऐसे हैं जिनका कि आरबीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है और करीब 0.5 दर्जन घायल ऐसे हैं जिनका कि निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है और सभी घायलों की जो हालत है खतरे से बाहर बताई जा रही है। साथ ही इस हादसे में 8 महिला 4 बच्चों सहित कुल 22 लोगों की मौत हुई है। उनके जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आरबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम होने के बाद जो हमें कहीं ना कहीं ले जाए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि दर्दनाक मंजर के बाद लोगों के जो आंसुओं का सैलाब है वो उमड़ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से लोगों का दुख है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चीख पुकार यहाँ पर देखी जा सकती हैं और पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से कि गम है लोगों का, अपनों को खोने का जो गम है वो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह जब अपने साथ होते हैं और अचानक वो हमेशा के लिए चले जाते हैं, वो चेहरा वो आवाज़ फिर दोबारा सुनाई नहीं देगी, इस सोच के साथ कहीं ना कहीं जो आँखों के जो आंसू हैं वो कहीं ना कहीं एक सैलाब के रूप में उमड़ रहे हैं और हर व्यक्ति को इस चीज़ का दुख है कि अपना अब अपने बीच में नहीं रहा, जिसके चलते जो लोगों का जो दुख है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जैसा कि हमारी पुलिस से बात हुई थी कि जो मैरिज होम की जो दीवार है कहीं ना कहीं कच्ची थी, कह सकते हैं कि एक कमज़ोर नीम की ईंट पर कागज का महल खड़ा हुआ था जो एक हवा के झोंके और बारिश के साथ ढह गया, जो अपने साथ 24 जो जिंदगियां हैं उनको लील गया। यहां पुलिस कार्रवाई में जुटे हुए हैं, एडिशनल एसपी हैं मुख्यालय भरत मीणा हमारे साथ हैं, जानते हैं हम उनसे कि किस तरह से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सर, बीती रात को हादसा हुआ, आप पूरी रात मेहनत में लगे रहे, इसमें 24 जो लोगों की मौत हुई है कितने की शिनाख्त हो पाई है और आगे की जो क्या कार्रवाई है की जा रही है? रात में जैसे ही राहत कार्य की समाप्त हुआ है उसके बाद में इनके परिजनों को सूचित और डेड बॉडीज़ जिनकी मृत्यु हुई है उनके आइडेंटिफिकेशन का काम हम लोगों ने जारी रखा था। अभी जो 24 इस हादसे में पर्टिकुलर जो मैरिज होम में जो हादसा हुआ है वहाँ पे जो मृतक जो मृत्यु हुई है उनमें से 24 में से 23 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है जिसमें से
छः लोगों की जो पोस्टमार्टम हो पाया बॉडी का, उनको अभी हमने यहाँ से रवाना कर दिया, जिसमें एक कोई जयपुर भेजा है, बद्री पुत्र मांगीलाल, और मथुरा एक मदन पुत्र लालचंद सैनी, इसके अलावा उच्चैन में थाना एक गांव है बारह माफी, वहाँ का विशाल शर्मा, अनुराधा प्रिंस, और एक और ऐसे करके जिन जिन के परिजन पहुंच चुके हैं उनका पंचनामा भर के और उनकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवा के और उनकी बॉडियों को उनके परिजन को सुपुर्द कर रहे हैं। जैसे कि सर जो दीवार थी कहीं ना कहीं कच्ची थी ये सामने बात आ रही है, तो पुलिस जो संचालक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? दीवार कच्ची नहीं थी, दीवार सीमेंट जो सीमेंट और ईंटों की दीवार थी, दो ईंटों की, जिसमें कहीं पे भी इतनी लंबी दीवार थी उसमें कोई पिलर अथवा कोई कॉलम इस्तेमाल नहीं क्यों हुआ था। इतनी लंबी दीवार और जिसकी हाइट ज़्यादा थी, हाइट जो एक कमरे की हाइट होती है उसके बराबर हाइट थी, तो जैसे ही हवा का ज़्यादा प्रेशर आया और वो दीवार इतनी लंबी होने की वजह से उसको झेल नहीं पाई। निश्चित रूप से इसमें लापरवाही है। इतनी अगर लंबी आपको दीवार बनानी है तो बिना कॉलम के ये कोई भी किसी के भी समझ में आता है वो इस रुक नहीं पाएगी। तो इस संबंध में हमारी इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करके जो भी इसके जो संचालक हैं या इसको संचालित कर रहे हैं या मालिक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। एडिशनल एसपी मुख्यालय भरत मीणा का कहना है कि कहीं ना कहीं जो दीवार है वो लंबी थी और उसकी ऊंचाई भी एक मानक से कहीं ना कहीं बिल्कुल मनोज तो